हेलो स्टूडेंटो, कैसे हो आप सभी? ठीक। जैसे कि आज हम इस वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 7.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, ठीक। एंड 7.1 से लेकर और 7.3 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और इन एक्सरसाइज इन प्रश्नावली का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपसे एक टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक। उसके अंदर देखेंगे कौन बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक। और आज हम स्टार्ट करेंगे 7.4 प्रश्नावली। अब इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, अलग अलग कंडीशन बनती है, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन करे जाएंगे। जो मैंने बताया था, जो 7.1 में अलग कंडीशन बनी थी, 7.2 में अलग कंडीशन बनी थी। अब जैसे हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा ना इस प्रश्नावली का, वैसे वैसे इन क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े टफ आने लगेंगे, टफ के। और जो ये वाले क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं ना, ये तो आपको चुटकियों होने लगे हैं, ठीक। जैसे आज हम करेंगे 7.4, पहले इसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो आपको जैसे इसके फॉर्मूले पता दो, एंड इस प्रश्नावली में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। जैसे ही देखो, और आपको मैं ये फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, एंड एक अलग से मैंने फॉर्मूले बेस वीडियो बना रखा कि मैंने उसमें देख लेना आप एक एक फॉर्मूले। ऐसे देखो, ये फॉर्मूला लिखना है समाकलन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स अकाउंट में ए और ए अकाउंट में ए आ जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। और एक कंडीशन और होती है बनती है, देखो मैं आप बता रहा हूँ वैसे ध्यान में आ जाए इसलिए, ठीक। एक फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा साइन एक्स अपॉन में ए प्लस, ठीक है। और एक फॉर्मूला बनता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखना है आपको क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, ठीक। क्लियर हो जाना चाहिए फॉर्मूले आपको माइंड में, दोबारा ध्यान में आने के लिए इस फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, ठीक। जैसे कि देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसमें बस माइनस चेंज हुआ है, बस वही सेम कंडीशन, लॉग एक्स प्लस ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी, ठीक है। और दो फॉर्मूले और हैं, और उनके आधार पर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यदि नोट करो इन क्वेश्चनों, इन फॉर्मूलों को, नहीं तो मत करो, मैं आप करा चुका हूँ ये वाले फॉर्मूले, ठीक। हम चलेंगे जैसे दो फॉर्मूले और देख लो आपकी जानकारी के लिए, वो हैं डी एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक। इसको जरूर ध्यान रखना, और इस सभी फॉर्मूले ध्यान रखना। जो अपना tan x वाला बताया था, tan इनवर्स अपॉन tan इनवर्स x अपॉन में, वो बहुत यूज में होने वाला सभी है एक तरह से, पर ज़्यादातर वही है देखना आप, जब मैं आप प्रश्न स्टार्ट करूँगा जल्द। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बनने वाला है इसका, 1/2a log x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस, ठीक। इन फॉर्मूला बेस ये न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट, इस प्रश्नावली में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक। उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक। ये तो हमने फॉर्मूले के बारे में बात की, ठीक। इस फॉर्मूले को आप लिख लेना, यदि आपकी याद नहीं है तो आप यानी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले एक बनने की फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक। जैसे कि आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रश्नावली, यानी इस प्रश्नावली सोल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स में छोड़ दो, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर, ठीक। जैसे देखो, हमारी क्या होती है, एक दीर्घात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण, ठीक। द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण जानते हो ना आप, ठीक। इसके
दो टाइप होते हैं एक तरह से, समझो ये बनाए गए टाइप। एक में क्या है, एक में तो क्या है अंडरूट है, ठीक है, और दूसरे में क्या है अंडरूट नहीं है। मुझे मालूम है आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, यानी ये क्या चल रहा है, अंडरूट है अंडरूट नहीं है, अभी आपके क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला। ठीक, यदि अंडरूट है तो क्या होंगे, टुकड़े होंगे, और टुकड़े नहीं होंगे, ठीक, इसी प्रकार इसमें होगा यदि अंडरूट नहीं है। टुकड़े होंगे टुकड़े नहीं, देखो ये वाली कंडीशन आप देखो, यदि अंडरूट है, एक द्विघात समीकरण दी हुई है आपको, उसके ऊपर अंडरूट है, ठीक है, और अंडरूट के क्या टुकड़े होंगे या टुकड़े नहीं हो रहे, ठीक बताऊंगा। और तो क्या मतलब उसमें क्या लगे, कोण वर्ग विधि का उपयोग करना है, कोण वर्ग विधि का यूज करना है हमें, ठीक। और यदि अब देखो, यदि अंडरूट नहीं है, द्विघात समीकरण दी हुई है वो अंडरूट नहीं है, तो क्या वो टुकड़े होंगे या फिर टुकड़े नहीं होंगे, इसमें क्या कंडीशन है। जब द्विघात समीकरण में अंडरूट नहीं है, जब टुकड़े हो रहे हो द्विघात समीकरण के, तो क्या करते हैं, आंशिक भिन्न का उपयोग करते हैं, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न का उपयोग करते हैं। जब टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है, जब पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं, ठीक, ये कंडीशन है। मानता हूँ आपके अभी क्लियर नहीं हुआ है, यानी क्या ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको आप क्या करो, इसको एक नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, उन फॉर्म जहाँ पर आपने फॉर्मूले नोट किए होंगे वहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक। जब बताऊँ जब बताऊँगा यानी क्या क्या कंडीशन है क्या क्या कंडीशन नहीं है, जब क्वेश्चन करेगा ना, जब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा हमारे, इसमें क्या क्या कंडीशन लग रही है क्या नहीं, ठीक। एक बार आप नोट करो, फिर दोबारा से ये बता दो, बताऊँगा दोबारा से। वह नोट एक बार और दोबारा से देख लो, जैसे क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दी हुई है, जैसे द्विघात समीकरण क्या है, मार्कर क्या होता है, द्विघात समीकरण ये हुआ 2x² + 3x + 1, ये क्या है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यदि हम देखो, अब इसके टुकड़े हो रहे नहीं हो रहे, टुकड़े होंगे इस प्रकार होंगे 2x² + 2x + x + 1, इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, तो देखो फैक्टर है, तो ये क्या अंडरूट नहीं है, नहीं, यदि हम इसके ऊपर अंडरूट कर दें, अब क्या अंडरूट है, ये अंडरूट के अंदर है, ठीक है, जिसके फैक्टर होंगे, देखो टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, और यदि टुकड़े नहीं हो तो क्या पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करना है, पूर्ण वर्ग किस प्रकार का उपयोग करेंगे वह बताऊँगा आप, ठीक, ये समझो, ये समझ आ रहा है ना, ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखो, अब हम चलते हैं इधर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, इसमें क्या है अंडरूट नहीं है, तो भाई अंडरूट हटा दो, द्विघात समीकरण है हमारे पास, इसको अंडरूट हटा दो, क्या अंडरूट नहीं है। अब एक एक स्टेप पर चलो, टुकड़े होंगे, टुकड़े हो रहे हैं इसके, तो क्या आंशिक भिन्न लगेगी, ठीक। यदि कोई ऐसे समीकरण हो जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हो, तो क्या पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना, ठीक। आगे सर हम चलते आगे चले, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे 7.4 का एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल, उससे क्लियर होगा आपका ये ऑप्शन। जैसे कि देखो
एक फर्स्ट क्वेश्चन है 7.4 का, इंटीग्रल 3x² x^6 +1 dx. अब देखो हो जा रहा है, हो जाना चाहिए, अभी तो कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रही इस प्रश्न अवली की. ये तो मैंने एक से लेकर 7.1 से लेकर 7.3 का जो क्वेश्चन कराया है ना, उसी बेस क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये वाला. तो कैसे होगा अब देखो, कहीं ने तो कर भी लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें. ये 3x² को ऐसे कैसे छोड़ो, ठीक, क्योंकि अपने ये है ना 6x + 1, इसमें टुकड़े करने, जैसे कि x³ और √2, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको. कोई क्वेश्चन फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, 6 × 3 × 6 क्वेश्चन तो वही है +1 dx, ठीक है. यहाँ तक सभी ने किया होगा और इससे आगे भी जैसे सभी ने किया होगा. जैसे देखो अब क्या किया होगा बच्चों ने, आपने x³ को t माना होगा, माना ये क्या है x³ है, इसको t मान लिया, ठीक है. तो इसका आवकलन कर दो, 3x² dx dt इस प्रकार आ गया, ठीक. अब देखो ऊपर देखो, यानी 3x² dx, तो इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है मैंने पिछली वीडियो में, ठीक, इसलिए मुझे इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है इसमें अभी. तो dt t² + 1, अब प्रॉब्लम आई होगी तो यहाँ पर आई होगी बच्चों, ठीक है. इसमें क्या करें, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है उसके बेस पे होगा. मैंने आपको बताया था यदि आपको क्वेश्चन करना है ना, यदि आपको कहीं पर फॉर्मूला लग रहा है तो उसको साइड में नोट करो, इससे आपके माइंड में बना रहे फॉर्मूला. जैसे देखो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है कौन सा, dx x² + a² वाला फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या लगता है, जैसे कि देखो 1/a tan इनवर्स x/a +c, ठीक. इस वाले फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है, देखो कैसे होगा. अब क्या है dx t² है, तो 1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, तो मान लिए 1 का स्क्वायर कर लिया हमने. अब हमें फॉर्मूले में यूज करना है, तो देखो 1/a कॉन्स्टेंट कौन सा है 1, तो 1 का 1 रहेगा. tan इनवर्स x क्या है t, मतलब चर, और कॉन्स्टेंट 1 +c, ठीक. tan इनवर्स t का मान रखना है, t का मान क्या है x³ +c, देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना अभी तो, ठीक है. जो मैं अभी कंडीशन बताई है ना उस क्वेश्चन पे, तो अभी और क्वेश्चन आएंगे ना उनको बताऊंगा, वो वाली कंडीशन अप्लाई होगी. ये जो अनरूट है अनरूट नहीं है, पूर्ण विधि लगेगी, आंशिक विधि लगेगी, ठीक है. जो मैंने आपको बताया था, एक जहाँ पर अनरूट नहीं है वहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, यदि अनरूट नहीं है तो टुकड़े होंगे और टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है. टुकड़े होंगे तो इनमें आंशिक भिन्न लगने वाली है, और टुकड़े नहीं होंगे उसमें पुनर्विधि लगेगी. जो आंशिक भिन्न है ना इस प्रश्नावली में लगेगी, 7.4 में नहीं लगने वाली. जो इससे नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी ना 7.5 उसमें लगेगी, ठीक है. और जो पुनर्विधि है पुनर्विधि में 7.4 लगने वाली, ठीक. इसी और नोट करो, जैसे आपको याद है इसे नोट करो इस क्वेश्चन को. हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. हो गए नोट, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. अब देखो हर प्रश्न में क्या होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो नॉर्मली आता है, जब क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है क्वेश्चनों का, और जो उसका थोड़े जो कठिन तरीके से पता लगता है, कठिन लग रहा है ये वाला, तो धीरे धीरे कठिन पोजिशन पहुँचता था. जैसे देखो न्यूमेरिकल दूसरा, इंटीग्रल
डी एक्स अपॉन में वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखो कर सकते हो भाई, आपने 7.1 से लेकर 7.3 तक जो भी न्यूमेरिकल लगाए हैं उस हिसाब से इस न्यूमेरिकल लगा सकते हो भाई, कोई कंडीशन बन रही हो आप दिमाग चल रहे हो कंडीशन, ठीक है। चलो छोड़ो मैं ही लगाता हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे करना है देखो। डी एक्स ऐसे कैस, अब हमें क्या करना है, अंडर रूट भी ऐसे छोड़ो, x के साथ क्या है 4 है ना, पर हमने देखा अब इसमें फॉर्मूला तो आपको सीधे से नजर आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें देखो बताओ, अंडर रूट डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, इसे नोट कर लेना साइड में, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए, ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब कैसे लगेंगे ये बताएंगे, ठीक। अब देखो अब x क्या है, x स्वतंत्र है ना, कोई चर राशि नहीं है, ठीक। अब देखो हमें भी यहाँ x स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 4 का भाग देते हैं, और हम इसमें क्या 4 भाग देंगे, जैसे देखो 4 से गुणा करेंगे और 4 का भाग देंगे, तो भाई 4 का भाग दिया 1 प्लस इसमें क्या 4 का भाग दिया। अब देखो डी एक्स अपॉन में से कैसे, ठीक है, 4 है ना, जब अंडर रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा 2। अब देखो अब 1 अपॉन 4 ऐसे कैसे, और x और 4 से 4 कैंसिल एक्स स्क्वायर, कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या चार है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट समाज से बाहर आएगा, वन अपॉन टू डी एक्स अंडर रूट वन अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये वाली कंडीशन बन गई। अब हमें इस वाले फॉर्मूले की तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, वन अपॉन टू डी एक्स अंडर रूट वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला वही पड़ जाए वही बन, अब देखो हमें इसे अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इंटीग्रल वन अपॉन टू ऐसे की ऐसे रखना है, लोग एक्स एक्स के दिया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। इस प्रकार ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसलिए जैसे कि आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में, इसलिए जो एनसीईआरटी बुक में आप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा आपसे खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है, धन्यवाद।